बहादुरगढ़ में कल हुई हरियाणा रोडवेज की बस में तोड़फोड़ का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हाथों में डंडे लिए कई हमलावर बस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ हमलावरों ने बस के शीशे तोड़े, चालक परिचालक के साथ मारपीट की और परिचालक का रुपयों से भरा हुआ बैग भी छीन लिया। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ बेरी मार्ग पर सरकारी बस किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे, इसकी धमकी भी दी गई। रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई इस घटना के साथ ही कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी नेता नरेश दलाल का कहना है कि पुलिस ने इस संबंध में मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कल ये मामला था, हमारी बस जो बहादुरगढ़ से बेरी जाती है, रोडवेज की बस है, करीबन 527 पर चले थे बहादुरगढ़ से बेरी के लिए। तो रास्ते में अचानक मातम गाँव में क्रॉस करते खरमान वाले मोड़ पर कुछ एक गाड़ी के आगे जैसे ट्रैक्टर लगा दिया एक, और फिर बाइक लगा दी, और 20-30 बंदे आए बाइकों से, गाड़ियों से उतर कर और बस में आ गए। तोड़फोड़ करने लगे, ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करने लगे। उसने बस के चारों तरफ के शीशे फोड़ रखे हैं सारे, हथियार भी ले रहे थे वो, लाठी डंडे ले रहे थे, बहुत कुछ ले रहे थे। उन्होंने कंडक्टर का सिर में भी चोट लग रही है, हाथ पर भी चोट लग रही है, ड्राइवर के दोनों हाथों पर डंडे लग रहे हैं। उन्होंने बहुत ही गलत किया, उसमें एक की पहचान हो चुकी है, FIR में भी उसका नाम लिखा हुआ है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करे, पुलिस भी आश्वासन दे रही है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब तक हम थोड़ी देर पहले हमें SHO बहादुरगढ़ से मिले थे, असोदा थाने से, तो बोल रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं हुआ है। अगर CCTV फुटेज भी सामने आई है, एक वीडियो वायरल हुआ बस के साथ तोड़फोड़ करते हुए, कुछ 10-12 बंदे हैं चारों तरफ बस के अंदर घुसकर भी मार रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सवारी ने इनका बीच बचाव कर दिया थोड़ा, हाँ, और उन्होंने बता रहे हैं कि बस में आग लगाने की भी कोशिश की, फिर वो जैसे गाँव वाले आए इधर उधर से, उन्होंने थोड़ा बीच बचाव कर जब वो वहाँ से भाग निकले। हम आपको बता दें कि कल शाम के समय बहादुरगढ़ से सवारियां लेकर बेरी जा रही बस पर मातन गांव के पास कुछ लोगों ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया था। बस के सभी शीशे तोड़ डाले थे, बस को आग लगाने का भी प्रयास किया गया था। चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई थी और परिचालक का रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ बेरी रूट पर किसी भी कीमत पर सरकारी बस नहीं चलने देने की धमकी भी दी गई थी। इस वारदात के पीछे बहादुरगढ़ बेरी रूट पर ही प्राइवेट बस चलाने वाले एक ऑपरेटर का हाथ बताया जा रहा है, जिसे चालक और परिचालक ने मौके पर ही पहचान लिया था। फिलहाल तोड़फोड़ का ये लाइव वीडियो कर्मचारियों ने पुलिस को सौंप दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसकी फुटेज हमारे पास आ गई, हमें पुलिस वालों को भी दे दी है और उसमें पहचान भी हो गई सबकी, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। क्या नाम था, कैसे क्या? हिमांशु नाम उसका, प्राइवेट बस वाला है, मोनू बस वाला, संजय का लड़का। क्या वजह थी जो मारपीट की गई? क्या कुछ नहीं जी, हम यहाँ से चल रहे थे 5:23 पे, अपना काम टाइम लेके बेरी जा रहे थे। मातन से निकलते ही खर वाले रोड के पास एकदम ट्रैक्टर ट्रोली आ गया डागा, और 10-15 बंदों से ऊपर थे वे, 4-5 बाइक थी, एक गाड़ी थी, एक ट्रैक्टर ट्रोली थी, उन पर ऐसे आए, गाड़ी को फोड़ने लगे, बस में चढ़ गए, मेरे को ड्राइवर को मारने लगे, तो सॉरी उन्होंने हमारे बीच में बढ़ के हमको छुटवाया गया। शिकायत दे दी? हाँ, पुलिस को हमने शिकायत दी थी, 112 पर कॉल कर दी थी। बहरहाल पीड़ित चालक और परिचालक ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के चलते रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है, लेकिन अब देखना होगा कि ये आखिर कब तक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। सत्य खबर के लिए झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट।